मोहन बगान शुड स्टॉप दिस रविश फुटबॉल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मैं क्यों बताया, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा तालियां हो जानी चाहिए राहुल गुप्ता सर के लिए। क्या हो गया था सर, बीबी से लड़के आए थे क्या? इतना गुस्सा, एक मैच में 5-5 रेड कार्ड। एक भी रेड कार्ड आपका सही तरीके से नहीं आया, सब गलत। एक भी रेड कार्ड आप बताइए कि हाँ ये रेड कार्ड मैंने सही दिखाया। लिस्टन क्लासों का आप कह सकते हो कि आप उसको उलझना नहीं चाहिए था आपसे। पहला वाला रेड कार्ड जो आकाश मिश्रा को दिया आप, वो भी गलत है। बाकी सब रेड कार्ड गलत है, खाली लिस्टन क्लासों का वो भी आप नहीं कर सकते थे। उलझ गया था वो, ठीक है, उसको उलझना नहीं चाहिए था, पर आपको कूल रहना चाहिए। एक मैच में इतने सारे कार्ड नहीं आने चाहिए, मैच पूरा बिगाड़ देते हो आप। पूरा मैच किरकिरा कर दिया सिर्फ आपने। मैन ऑफ द मैच तो आप ही को मिलेगा, इसका जो मैन ऑफ द मैच अवार्ड आने वाले हैं वो राहुल गुप्ता सर को ही मिलने वाले हैं। अब मोहन बगान के लिए बात करते हैं कि क्यों मोहन बगान को ये बकवास फुटबॉल बंद कर देनी चाहिए। मेरे ख्याल से मोहन बगान प्रैक्टिस में कुछ नहीं करता, मस्ती मजाक करके प्रैक्टिस करता है। मोहन बगान को मुंबई सिटी एफसी को देख के कुछ सीखना चाहिए। क्लियर लेज मिल गया था आपको फर्स्ट हाफ में आकाश मिश्रा के रेड कार्ड के बाद, फिर भी वो एडवांटेज आप ले नहीं पाए। क्या ब्यूटीफुल फुटबॉल खेल के गए। सबसे पहले मुंबई के स्ट्रेटेजी और मोहन बगान का स्ट्रेटेजी में आसमान जमीन का फर्क है। आकाश मिश्रा का रेड कार्ड देखने के बाद उन्होंने एक प्लेयर चेंज किया, जो मेरे को लगा था शायद उस टाइम गलत डिसीजन ले रहा है, चांगटे को जो आपने चेंज कर लिया। पर उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए मोहन बगान गेम में डोमिनेट किया था, फिर जो 10 प्लेयर में मुंबई सिटी एफसी ने वापसी किया बेहतरीन। मुंबई सिटी एफसी का स्ट्रेटेजी प्लेयर टू प्लेयर मैन मार्किंग देखिए। मोहन बगान 11 प्लेयर में खेल रहा है, मुंबई सिटी एफसी 10 प्लेयर में खेल रहा है। मुंबई सिटी एफसी का मैन मार्किंग देखिए, फिर भी एक भी मोहन बगान प्लेयर को फ्री नहीं छोड़ रहा है, और मोहन बगान का कोई प्लानिंग नहीं है। वो खाली मैदान पर उतरता है कि मेरे पास तो बहुत सारे स्टार प्लेयर है, मैं जीत जाऊंगा, मेरे को खेलने का कोई जरूरत है ही नहीं। ऑन पेपर मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं आराम से जीत जाऊंगा, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि मोहन बगान को ये बकवास फुटबॉल बंद कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस करिए, आप सब कुछ है आपके पास, महंगा कोच, महंगा प्लेयर, स्टार प्लेयर है, फिर भी आप फुटबॉल खेलते हो सबसे रविश फुटबॉल खेलते हो आप। आईएसएल में जितना टीम है ना, सबसे रविश फुटबॉल खेलता है मोहन बगान। हाँ, जिस टीम के पास प्लेयर नहीं है लाइक जमशेदपुर एफसी या हैदराबाद एफसी, वो कुछ कर नहीं सकता, फिर भी उनका इंटेंसिटी देखिए, फिर भी उनका फुटबॉल खेलने का स्प्रिट देखिए कि हाँ वो कोशिश करता है। और आपके पास सब कुछ होते हुए भी वो कोशिश नहीं है, स्प्रिट नहीं है, टीम स्प्रिट नहीं है, फाइटिंग स्प्रिट नहीं है। सुभाषिस बोस, मोहन बगान का जो पूरा गेम प्लानिंग है पूरा बिगड़ के रखा है। एक प्लेयर बंदे को डिफेंसिव करना ठीक से नहीं आता, ढंग से डिफेंसिव नहीं कर सकता है, वो जाता है दूसरे डी बॉक्स में, ऑपोजिट डी बॉक्स में जाके गोल स्कोर करना है, इनको मेसी बनना है। सुभाषिस बोस के पास खड़े हैं, एकदम आमने सामने हैं दोनों, सट के खड़े हैं। वहां से ग्रेग स्टुअर्ट आके हेड ले रहा है और सुभाषिस बोस देख रहा है कि हाँ ग्रेग स्टुअर्ट हेड ले रहा है, मैं देख रहा हूँ कितना खूबसूरत हेड ले रहा है, मेरे को नेक्स्ट मैच में ऐसा ही हेड लेके गोल करना है। जब आपका आशीष राय रेड कार्ड देख के गए तो मुझे प्लानिंग समझ नहीं आया कि आप मनवीर सिंह को क्यों डिफेंस में लेके आए हो और सुभाषिस बोस को क्यों आप लेफ्ट विंग पे लेके गए हो। कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम मोहन बगान का प्लान क्या है। सुभाषिस बोस खेल रहा है लेफ्ट विंग पे, लिस्टन कुलासो खेल रहा है मिडिल पे, और मनवीर सिंह खेल रहा है राइट बैक पे। क्या बेहतरीन प्लानिंग है, ये है मोहन बगान का बेस्ट कोचिंग स्ट्रेटेजी। और मुंबई सिटी एफसी के लिए क्या कहूँ, बेहतरीन। जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया है, फर्स्ट हाफ में 13 मिनट में जो आकाश मिश्रा को रेड कार्ड मिला है, उसके बाद थोड़ा टाइम के लिए बैकफुट पे चला गया था, चांगटे को वहाँ आप चेंज कर लिए, चांगटे को चेंज करके कोई एक डिफेंडर लेकर आए हो आप। ऑब्वियसली बात है कि आप डिफेंसिव माइंड पे जा रहे हो, और गए भी थे उस टाइम डिफेंसिव माइंड पे। 10-15 मिनट मोहन बगान उस टाइम डोमिनेट करके खेला, गोल भी मिला उसी टाइम लाइन के अंदर, फिर मुंबई सिटी एफसी ने कमबैक किया। मुंबई सिटी एफसी को उस टाइम साफ समझ आ गया कि डिफेंसिव खेलोगे तो और गोल कंसीड करोगे, और वहीं से वो कमबैक करना शुरू किया, और क्या बेहतरीन कमबैक किया। फिर सेकेंड हाफ में जब मोहन बगान को 2 रेड कार्ड मिला है, उसके बाद तो मोहन बगान गेम से पूरा आउट ही हो गए, बाहर हो गए पूरा। मुंबई सिटी एफसी का जो स्ट्रेटेजी रहता है हर मैच में, फुटबॉल खेलने का जो स्ट्रेटेजी रहता है, वो प्रैक्टिस में भी वही स्ट्रेटेजी, सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करता है। प्रैक्टिस में भी बॉल पोजीशनिंग, बॉल कंट्रोलिंग रख के प्रैक्टिस करता है। पता नहीं मोहन बगान क्या करता है प्रैक्टिस में, डंडिया खेलता है या कुछ भी करता होगा। मुंबई सिटी एफसी जो प्रैक्टिस में जो अप्लाई करता है, वो फील्ड में भी वही सेम चीज़ अप्लाई करता है। मेरे को नहीं लगता कि मोहन बगान प्रैक्टिस में ये सब चीज़ अप्लाई करता होगा। मोहन बगान के पास इतने स्टार है, ना प्रैक्टिस करता है ढंग से,
आई थिंक मेरे को ये लगता है अगर वो ढंग से प्रैक्टिस करता तो उनका वो मेहनत फील्ड पे दिखता। बिना प्लानिंग विदाउट प्लानिंग कोई भी टीम एक अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकता है। तो मोहन बगान से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जब फील्ड पे आ रहे हो हर मैच से पहले कुछ प्लान बनाइए, कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ मेहनत करिए। जब आप अच्छा प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट फील्ड पे भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।